हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीराम अकेडमी से आपकी हिंदी की टीचर। तो आ हम फिर पढ़ते हैं पाठ 21 में, आओ दीप जलाएं। ठीक है ना, इसके पहले हमने करवाया था मेरा पदावली, ठीक। उसके बाद है आओ दीप जलाएं। इसके राइटर जो हैं आओ दीप जलाएं के भानु प्रताप शुक्ल हैं। इसमें हम सीखेंगे प्रेरक प्रसंग के माध्यम से महापुरुषों के जीवन प्रसंग, उपसर्ग, मुहावरे, विलोम शब्द, ठीक ना, इस पाठ में हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम देखिए इसमें, देखिए उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। भत्ते आप बुद्ध हैं, भत्ते आप बुद्ध हैं और हम बौद्ध हैं, परंतु हमें क्या मिला? क्या आपको वह मिला जिसके लिए आपने तप किया था? क्या आप और हम उसे बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से मुक्त हो गए? भत्ते ऐसा क्यों होता है कि भत्ते कि हम जो चाहते हैं वह नहीं होता? आनंद बोलता है, आनंद भत्ते बोले चाहने वालों की बात है वत्स, तुम्हारे शरीर की बात कर रहे हो, तुम शरीर की बात कर रहे हो, तुम्हारे प्रश्न केवल शरीर से जुड़े हैं। क्या बोलते हैं बौद्ध जी? ये बौद्ध जी का चित्र है। बौद्ध जी बोलते हैं, आनंद उनसे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है ना, आनंद उनका सबसे प्रिय शिष्य था। तो क्या कह रहा है कि कहते हैं, बात कर रहा है, तुम्हारे प्रश्न केवल शरीर से जुड़े हैं, मैं मन की बात करता हूँ और मन से बात करता हूँ। मन भूढ़ा ना हो, मन बीमार ना हो, मन मरे नहीं, मेरी इस साधना की सिद्धि ही बुद्ध होना है। यानी कि मन मरे नहीं, मन बीमार ना हो, मन मरे नहीं, मेरी इस साधना की सिद्धि ही बुद्ध होना है, बोध प्राप्त करना है। यानी कि क्या करना? ज्ञान, बोध मतलब क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना। तो बोध प्राप्त करना है। बात विश्लेषण की नहीं, प्रतीति की है। प्रतीति होगी तो प्रेम होगा, प्रेम होगा तो आस्था जमेगी, और आस्था उपजेगी तो निष्ठा का निर्माण करेगी, निष्ठा में से करुणा का उदय होगा और करुणा सेवा कर्म की प्रेरणा देगी। संसार सुखी बनेगा, संसार नहीं रहेगा तो भी साधना और आनंद की यात्रा चलती रहेगी वत्स, ऐसा गौतम बुद्ध बोलते हैं। बुद्ध ने उत्तर से आनंद का चित्त शांत नहीं हुआ। इतने बुद्ध ने उत्तर दिए फिर भी आनंद का मन शांत नहीं हुआ। पूछा, भानते तो फिर इस कुटी और कुटी के बाहर चारों ओर अंधकार क्यों है? यह कैसे मिटेगा? तथागत स्मित हुए बोले, आनंद अंधकार इसलिए है कि प्रकाश अनुपस्थित है। अंधकार इसलिए है क्योंकि प्रकाश नहीं है, अनुपस्थित मतलब ना होना। एक दिया जला दो अंधेरा मिट जाएगा। क्या बोलते हैं? एक दिया जला दो अंधेरा मिट जाएगा। आनंद आतुर हो उठे, आनंद क्या हो? आतुर हो उठे, पर कब तक के लिए? भानते है ना, ये भानते जो है ये क्या कह रहे हैं? गौतम बुद्ध को कह रहे हैं, ठीक है ना। आनंद तथागत ने बताया, जितनी दिए की आयु होगी उतने समय के लिए दिए के लिए, यदि दिया तेल और पाती का संयोग स्थाई का स्थिर होगा तो प्रकाश भी स्थिर और फिर स्थाई होगा। यह ना भूलो, आनंद की अंधकार के पांव नहीं होते, वह पराक्रमी नहीं, कमजोर और कायर होता है। घटा टोप अंधियारे का अंत करने के लिए एक चिंगारी ही काफी होती है। यानी कि अंधियारे का अंत करने के लिए एक चिंगारी होती है तो क्या है, अंधकार अपने आप हट जाता है, ऐसा बुद्ध जी कह रहे हैं। आनंद रुका नहीं, बोला, यह तो हुई बाहर के अंधियारे की बात, अंदर के अंधियारे का क्या करूं? तथागत बोले, तुम्हारे अंदर जो प्रकाश बाहर का अंधकार देख रहा उसे अपने अंदर उतार लो। क्या करो? प्रकाश को अंदर उतार लो, आँखों की ज्योति आत्मा में जला दो। चर्म चछुओं का जो प्रकाश बाहर का अंधेरा देख रहा है, चर्म चछुओं का यानी कि चमड़ी के जो प्रकाश तुम्हारे अंदर देख रहा है वह अंदर का भी अंधेरा देखने लगेगा, तो अंतर मन भी प्रकाशित हो जाएगा और आत्मदीप जल उठेगा। यानी खुद में खुद तुम प्रकाशित हो जाओगे। आत्मदीप मतलब खुद में खुद प्रकाशित हो जाना। पता नहीं यह बात आनंद की समझ में आई कि नहीं आई, उसने तथागत की समझी कि नहीं, लेकिन हम भारत के लोगों ने इससे इस तरह समझा कि अंधेरे को साफ देने गाली देने और कोसने से अंधकार नहीं मिटता। उसके लिए अपनी ड्योढ़ी और आंगन के दिया जलाना होता है। ड्योढ़ी यानी कि दिए, अन्य ड्योढ़ी मतलब अपनी जो
डेहरी होती है, ड्योढ़ी, ड्योढ़ी पर दिया जलाना होता है, आंगन में दिया जलाना होता है। हम अंधकार से लड़ते नहीं, प्रकाश उत्सव मनाते हैं, प्रकाश उत्सव मनाते हैं, जैसे दीपावली के रूप में जगमग दीप जलाते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है, वह यह कि जो केवल अपने घर में दिया जला कर केवल अपना प्रकाश उत्सव मनाते हैं, प्रकाशोत्सव, मैंने प्रकाशोत्सव मतलब होता है इसका विच्छेद होगा तो प्रकाश धन उत्सव हो जाएगा, ठीक है ना। केवल अपनी ड्योढ़ी झलारों से सजाते हैं, उनका घर तो चमक उठता है, लेकिन उनका यह प्रकाश उत्सव बाहर के अंधकार को उनके अंदर धकिया देता है। यदि किसी के घर का प्रकाश उसके पड़ोसी को चिढ़ाने लगता है तो अंधकार मिटता नहीं, बढ़ता है, बलवान होता। मतलब ये कहना चाहिए कि अगर पड़ोसी के यहाँ दीपक नहीं जल रहा है तो हमें एक दीपक उसको दे देना चाहिए, ताकि उसके घर में भी प्रकाश हो जाए, वह हमारे घर के प्रकाश को देखकर उसके मन में जलन और द्वेष का उत्पन्न ना हो। बुद्ध जी का कहना मतलब ये है कि अगर किसी घर में ज़्यादा प्रकाश हो रहा है और बगल वाले घर में अंधेला है, तो स्वाभाविक क्रिया है, मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वह क्या करेगा, सामने वाले का जो प्रकाशहीन, प्रकाश से रहित घर है, प्रकाश रहित घर है, वो क्या हो जाएगा, अंधकारमय ही लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि किसी के मन में अंधकार है। अयाहित चीज़ों और बातें हम भारत के लोगों के आजकल बहुत अच्छी लगने लगी हैं, इसलिए एक आयातित उदाहरण देता हूँ। जापान में एक संत रिजाई अपनी कुटी में बैठे दिया जलाकर कुछ पढ़ रहे थे। रात का दूसरा पहर था, आहट सुनी, कोई दबे पांव छिप छिप कर आ रहा है, वह चोर था। रिजाई ने दिया बुझा दिया तो चोर का पता चल गया कि कोई है, वह उल्टे पांव जाने लगा। रिजाई ने कहा, रुको भाई, भाग रहे हो, आए हो तो खाली हाथ ना जाओ, पहले तो बताया होता तुम आने वाले हो तो मैं दिन में कुछ मंगवा कर इकट्ठा कर लेता, मेरे पास कुछ है नहीं, फिर भी तुम यह आशा लेकर आए हो कि इस कुटिया में तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें होगी, यदि खाली हाथ चले जाओगे तो इस कुटिया का ही नहीं भगवान का भी अपमान होगा। उसके रिजाई ने घर आए व्यक्ति को खाली हाथ लौटा दिया। ऐसा रिजाई ने कहा, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल यह कंबल है, इसे ले जाओ, मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा, ऐसा डाकू को रिजाई ने कहा। संत रिजाई ने अपना कंबल उसे दे दिया। कंबल लेकर वह जाने लगा तो उन्होंने उसे रोका, ठहरो भाई, मैंने तुम्हें कंबल दिया, तुम मुझे धन्यवाद दिए बिना ही चले जा रहे हो। क्या कहा उस चोर को कि मैंने तुम्हें कंबल दिया और तुम लिए जा रहे हो, धन्यवाद भी नहीं कहे। चोर ने धन्यवाद दिया और चलता बना। रिजाई संत कंबल बहुत प्रसिद्ध था। रिजाई संत का कंबल बहुत प्रसिद्ध था। जापान के लोग उसे पहचानते थे। चोर पकड़ा गया, न्यायालय में एक मुकदमा चला। न्यायाधीश रिजाई के संत का शिष्य था। जो न्यायाधीश था तो क्या है, रिजाई का शिष्य था, है ना, संत का शिष्य था, वह भी कंबल को पहचानता था। न्यायाधीश सजा का निर्णय सुनाने वाला ही था कि संत रिजाई ने न्यायालय में प्रवेश किया और बोले, रुकिए, यह चोर नहीं, इसने चोरी नहीं की। न्यायाधीश सहित सभी लोग सन्न रह गए कि आज क्या है, संत खुद झूठ बोल रहे हैं, ऐसा सबको लगा। वे लोग कुछ कहे इसके पूर्व ही रिजाई संत ने पूछा, क्या कोई चोर चोरी करने के बाद उस घर को धन्यवाद देता है या प्रणाम करता है? यह चोरी करने आया था यह सच है, लेकिन मेरे पास इस कंबल के अतिरिक्त चुराने लायक कुछ भी नहीं था, तो रात के अंधेरे में इसने यह कंबल ले लिया और मुझे धन्यवाद भी दिया। इसे कंबल की ज़रूरत मेरी तुलना में अधिक रही होगी, नहीं तो इसे लेता ही क्यों। आप इसे दंड दे सकते हैं, सरकार इसे जेल में बंद कर सकती है, लेकिन इसके पूर्व आप ऐसी व्यवस्था करें कि किसी को ऐसा अभाव और ऐसी विपन्नता ना हो कि उसे चोरी करनी पड़े, और उसकी सहायता के लिए किसी अकिंचन रिजाई को अपना दिया बुझाने की नौबत ना आए। संत रिजाई ने अपनी कुटिया का दिया बुझाकर संपूर्ण जापान के मन में ज्ञान और संवेदना का दिया जलाकर जगमग कर दिया, और वह चोर उनकी उत्तराधिकारी बनकर आधी शताब्दी से भी अधिक समय तक जापान को आलोकित करता रहा। यानी कि वह जो चोर था वह भी उनकी बातों से प्रभावित हुआ और उनका उत्तराधिकारी बन गया, ठीक है ना, इस तरह से। तो उनकी बातें इस तरह की थी कि उसे एक चोर से क्या कर दिया, संत बना दिया।
ठीक है ना। अगर हम किसी को बदलना चाहते हैं तो अच्छाई से ही बदल सकते हैं, बुराई से नहीं बदल सकते हैं। ऐसा यहाँ पे बुद्ध की इस कथा से क्या होता है, प्रदर्शित होता है। स्पष्ट है कि दीपोत्सव व्यक्ति के सहज जीवन मूल्यों को प्रतिष्ठा का पर्व है, लेकिन दीपावली के दिए में लोक जीवन के जागरूक प्रहरी हैं। ये दिए सृष्टि के महासागर के अंतराल में चमकते मुक्ता हैं, उस महासागर के ज्योति दूत हैं। दीप उत्सव प्रकाश को अपने प्राणों में बसाकर अंधकार को अलविदा कहने का पवित्र प्रेरक और प्राणवंत अवसर है। यह भारत की भाग्य लक्ष्मी का साक्षात्कार करके भारत माता के आंगन में अपने प्राणों और परोसने की अपनी योग्यता, पुष्पों को बिछा देने और स्वयं के बिछ जाने और स्वयं का न्योछावर कर देने का पर्व है। यह ना भूलें कि माँ भारत माँ की प्रसन्नता, उसकी सुरक्षा और उसकी समृद्धि में ही हम सुरक्षित हैं। हम समृद्ध और सुखी रहेंगे तो यदि हम केवल अपनी डपली बजाते रहें, यदि हम केवल अपने घरों में दिए जलाने की चिंता करने ही लगें तो किसी के दिए नहीं बचेंगे, किसी के भी घर का उजाला नहीं बचेगा, सबका सब कुछ बचा रहे पड़ता रहे। इसलिए सभी को सबकी चिंता और सबका चिंतन करना होगा। दीपावली के दियों की तरह सवेरा होने और सूर्य के उदित होने तक अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी जलाना होगा। यह केवल दिए की ही बात नहीं, भारत माता के दिल की भी बात है। ठीक है, यहाँ पर जो लेखक है भानु प्रताप शुक्ल ने यहाँ पर कुछ इस तरह से कहने का प्रयास किया है कि हम क्या करें, गौतम बुद्ध के इन बातों इन कथाओं को सुनकर हम अपने अंदर का जो अंधकार है उसे नष्ट कर सकें, इन्हें कि हम सिर्फ स्वार्थपर होकर न जिए, परोपकार करें। जिसमें इस तरह कहानी में इसमें बताया गया कि एक रिजाई ने क्या किया, एक डाकू को जब दंड से बचा लिया और सबको एक साथ ने किया कि उसे आवश्यकता होगी तब तो उसने चोरी की। तो अगर हम इस तरह करेंगे, किसी को आवश्यकता ही ना पड़े चोरी करने की, तो क्या हो जाएगा, संसार में जो अपराध है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह की स्थितियां ही ना पैदा हों कि अपराध करना पड़े। ठीक है, आगे देखिए, इस पाठ में शब्दार्थ दिए गए हैं और जोड़ियां वो सभी में हैं, जिस प्रकार इसमें भी है। और फिर इस पास खाली स्थान, लाति लघुत्री दीर्घलत्री, इसमें जो ये शुद्ध वर्तनी है ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग देख लीजिए, इसमें उपसर्ग इस तरह से है कि जो शब्दांश के पहले लगता है। तो इसमें देखिए यश है तो यश के पहले उप अप लग गया, तो क्या हो जाएगा, अपयश। उपसर्ग को छांट कर लिखना है, इसे वन है तो उपवन लग गया है, क्रम में प्राक्रम लग गया है, योग में संयोग लग गया है। हाँ, तो निम्न शब्दों को उपयुक्त करना है, छांट कर लिखना है। तो इस तरह हम छांट के इसको लिखेंगे कि इसमें क्या उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो दबे पांव आना यानी धीरे से आना, है ना। चोर ने जब जाना कि कुटिया में कोई नहीं है तो क्या कर, दबे पांव आने लगा। ठीक है ना, उल्टे पांव जाना है ना, यानी कि समझ जाना उल्टे पांव। तो जब चोर ने जाना कि कुटिया में कोई है तो वह क्या, उल्टे पांव जाने लगा। अपनी डपली बजाना मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है ना, इस तरह से हम क्या करेंगे, अर्थ लिख के वाक्यों में प्रयोग करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्यक्ति में जैसे जैसे विद्या का विकास होता है उतना ही वो नम्र होता जाता है। विद्या विहीन व्यक्ति का आचरण भी रुख और शिष्टता विहीन होता है, है ना। ये देखिए गद्यांश दिया गया है और देखिए इसमें लिखा गया ऊँचा और संपन्न का विलोम शब्द लिखिए, है ना। नीर सुमन और गगन शब्द के पर्यायवाची उपयुक्त शब्दों में छांटिए। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश में से संज्ञा शब्द छांटिए इस तरह से। तो इसमें देखिए गद्यांश दिया गया है तो हम क्या करेंगे, हम भी आपको गद्यांश समझाया है हमने एक वीडियो में, उसे भी आपको इसी तरह करना है। ठीक है ना, विकारी और अविकारी शब्द, तो देखिए जैसे पीला पीला धीरे धीरे ऊपर हमारा करते हैं, तो इसमें से विकारी और अविकारी शब्द छांटना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।